राहतगढ़ में तेज तूफानी बारिश से लोगों के घरों के कहीं छप्पर उड़ गए तो कहीं दीवार ढह गई। बताया जा रहा है तूफान इतना तेज था कि सीमेंट की चादरें पत्तों की तरह उड़ गई, साथ ही लोहे के गाटर भी ले गए, जिससे कि मकान में रखा सारा राशन गीला हो गया। पीड़ित परिवार को रहने खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर पीड़ित सहायता के लिए तहसीलदार को आवेदन देकर मांग की गई है। साढ़े ग्यारह बजे रात की बात है, हवा तूफान आई साहब, बहुत जमकर हवा तूफान आई से इधर हवा तूफान में हमारा मकान छप्पर पूरा उड़ गया। और का नुकसान हुआ सब अंदर खाने खा गलो पानी सब हमारे तक आना बिल्कुल सब मिला हाथ होगा साहब। अभी पर्वे की भी व्यवस्था कुछ नहीं, पानी मिलते रहे। कैसे मिलेगी राहतगढ़ के लोगों को राहत और पीड़ित परिवारों को कौन दिलाएगा मुआवजा? क्या आर्थिक तौर पर इनकी मदद की जाएगी? कब तक खाली पेट मजलूम सोते रहेंगे और क्या जनप्रतिनिधि गरीबों की मदद करेंगे और कैसे मिलेगी राहतगढ़ के लोगों को राहत? ये एक बड़ा सवाल है। अब देखना ये काफी अहम होगा, क्या कोई जिम्मेदार इस और ध्यान देता है और इन लोगों को राहत मिल पाती है या फिर नहीं। और कैसे राहतगढ़ के लोगों को राहत मिलेगी? पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा या फिर नहीं? और कब तक मजलूम खाली पेट सोते रहेंगे? आपको बता दें कि बारिश और तेज आंधी की वजह से ये नुकसान हुआ है, जिसमें कई सारे लोगों के घर की चादरें भी उड़ गई हैं और साथ ही बारिश की वजह से जो घर का सामान था वो भी खराब हो गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक अवस्थी जुड़ गए हैं। अशोक, क्या कोई राहत की उम्मीद? जी अभी तो राहत नहीं पहुंची, सर्वे हो रहा है। तहसीलदार राहतगढ़ ने आदेश दिया है पटवारी को, तो पटवारी द्वारा सर्वे किया जा रहा है। ऐसे 60 मकान देखने में आए, राशन भी उनका खराब हो गया था, तो क्या खाने पीने की कोई व्यवस्था की गई है? जी तहसीलदार से बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि 5 माह का राशन शासन फ्री माने दे रही है, तो राशन की व्यवस्था अलग से नहीं करवाई उन्होंने। तो राशन की व्यवस्था तो उन लोगों से पूछा गया तो बता, उनका कहना है कि हमें 2 माह का राशन दिया है और वो भी गीला हो गया और पानी में सब अस्त व्यस्त हो गया। अशोक, आप नजर बनाए रखिएगा कब तक और कितनी राहत इन तक पहुंचती है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।